ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश तिवारी ने सीएम साय से मुलाकात कर 22 जनवरी को शासकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से दीपावली मनाई जाएगी। सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश तिवारी ने शनिवार को सीएम साय को ज्ञापन सौंपकर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शासकीय अवकाश घोषित करने का आग्रह किया। संगठन के आग्रह पर सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। सर्व हिंदू सनातन संगठन हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे हिंदू सनातन के लिए सबसे गौरव का विषय की बात है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसका लोकार्पण हो रहा है, पूरे देश में दिवाली और उत्सव का माहौल है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करें ताकि यहाँ के लोग भी दिवाली और उत्साह मना सकें। जो कर्मचारी हैं उनको छुट्टी मिलने से वो उत्साह दुगनी हो जाएगी। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया है और धर्मस्व संस्कृति मंत्री मोहन अग्रवाल से भी हम लोगों ने ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि सार्वजनिक अवकाश दें ताकि ये उत्साह सनातन हिंदू संगठन के लिए और सनातनी के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। तो उस दिन अच्छे से हम लोग उत्सव मना सकें। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि विचार किया जाएगा, बहुत जल्द उसकी घोषणा के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।